नमस्कार, मैं विजयपाल सिंह, गणित अध्यापक, शिक्षा विभाग हरियाणा से आज के एजुसेट प्रसारण की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले सप्ताह त्रिभुज और उसके गुण के पहले भाग में त्रिभुज के बहुत सारे गुणों के बारे में सीखा था। त्रिभुज के माध्यिकाओं के बारे में, त्रिभुज के शीर्ष लंब, त्रिभुज के कोणों के आधार पर अनेकों नाम, भुजाओं के आधार पर अनेक प्रकार के नाम, इस तरह से त्रिभुज की कोणों के संबंध में बहुत से गुणों को हमने जाना। विशेषतः हमने त्रिभुज के अंतः और बाह्य कोणों के आपसी संबंधों को भी सीखा, उनको भी हमने जाना। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम त्रिभुज की भुजाओं के आपसी संबंधों के बारे में कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो उस कड़ी में प्रिय विद्यार्थियों, अपने पास ये तीन बिंदु हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। अब हमें बिंदु ए से बिंदु सी पर जाना है, तो इसके लिए हमारे पास दो रास्ते होंगे। इस प्रकार मिलाते हैं बिंदु ए को बी से, बी को सी से और ए को सी से, यानी ए से बी का ये पथ ये रास्ता है, बी से सी का ये पथ है और ए से सी का ये सीधा पथ है। तो प्यारे बच्चों, अब आप एक बार सोचने का प्रयास करें कि हमें ए से सी पर जाना है तो आप कौन से रास्ते का यूज करेंगे, कौन सा पथ आप प्रयोग में लाएंगे। पहले ए से बी पर जाएंगे और फिर बी से सी पर जाएंगे, या आप सीधे ए से सी पर जाना पसंद करेंगे। यही सवाल जब टीना से किया जाता है तो वह भी सोच में पड़ जाती है, वह भी कुछ इसी प्रकार सोचती है जैसे आप सोच रहे हैं। आप भी तो सोच में पड़ गए कि कौन से रास्ते को, कौन से पथ को चुनेंगे आप, कौन सा ठीक रहेगा। इसी प्रकार टीना भी सोच में पड़ जाती है और फिर वो कुछ समय के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचती है। तो प्यारे बच्चों, आपने ए से सी पर सीधा जाने वाला रास्ता चुना होगा, पसंद किया होगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इस रास्ते से जाएंगे तो ये रास्ता बड़ा है और ये रास्ता आपको छोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए आपने इस रास्ते को चुना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हमें त्रिभुज की भुजाओं के एक विशेष गुण के बारे में सीखने को मिल रहा है। अगर ध्यान से देखें, देखिए तीनों बिंदुओं को ये पथ मिलाने पर हमें जो आकृति प्राप्त हो रही है वो त्रिभुजाकार है। और यदि हम इस रास्ते से जाते हैं, यानी पहले हम ए बी चलते हैं और फिर हम बी से सी तक बी सी चलते हैं, और इस रास्ते से हम केवल ए सी चलते हैं, तो इस रास्ते से अगर जाते हैं तो ए बी प्लस बी सी चलना पड़ेगा और इस रास्ते से केवल ए सी चलना पड़ेगा। ये रास्ता बड़ा, यानी ए बी प्लस बी सी बड़ा है ए सी से। तो यहाँ त्रिभुज की भुजाओं का एक विशेष गुण हमें सीखने को मिल रहा है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसके मुताबिक देखिए, यदि हमें बी से सी पर जाना है तो फिर या तो सीधे बी से सी पर चले जाएं, या बी से पहले ए पर आएं और फिर ए से सी पर जाएं, तो ये रास्ता हमारा बड़ा होगा, यानी ए बी प्लस ए सी बड़ा है बी सी से। और इसी प्रकार बी सी प्लस ए सी बड़ा है ए बी से। यानी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का यदि हमने योग किया तो बची हुई तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहां पर ये गुण हमें सीखने को मिलता है। इसी गुण को प्यारे विद्यार्थियों में एक और गतिविधि करते हैं, उस गतिविधि के माध्यम से इसे और अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करते हैं। ये हमारे पास दो भुजाओं के बराबर की तिलियां हमने तोड़ी हैं, जो हमें छोटी भुजाएं दिख रही हैं उनके बराबर। और अब हम इन तीलियों को यदि सीधा करके इस तीसरी भुजा PQ के साथ रखते हैं तो हम पाते हैं कि इनकी लंबाई PQ से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ हमें समझ आता है कि इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। त्रिभुज में देखिएगा, इन दो भुजाओं के बराबर इन तीलियों को हमने यहाँ रखा, और जब इन तीलियों को हम इस तीसरी भुजा के साथ में रखेंगे तो
तो निश्चित तौर पे इनका मान इस भुजा से काफी बड़ा चला जाएगा। ये देखिए इस डी बिंदु से काफी आगे तक चला गया है। तो इस प्रकार कोई भी दो भुजाएं हैं उनके बराबर तिलियां तोड़ें और तीसरी भुजा के साथ रखें तो वो उनकी लंबाई तीसरी भुजा से काफी बड़ी चली जाती है। तो इस गतिविधि के माध्यम से भी हमने जाना कि दो भुजाओं का योग त्रिभुज में सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यही गतिविधि प्रिय विद्यार्थियों आप अपने घर पर भी आसानी से दोहरा सकते हैं। प्रश्नावली 6.4 के सवाल नंबर 1 में ये तीन भाग हमें दिए गए हैं और इसमें त्रिभुज की भुजाओं के विभिन्न माप हमारे सामने हैं और पूछा गया है कि क्या इन मापों से त्रिभुज बनना संभव है। तो प्यारे बच्चों हमने अभी भुजाओं के जो गुण के बारे में जाना कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है, उस गुण के हिसाब से हम इन सवालों को जांचने की कोशिश करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि दो भुजाओं का माप तीसरी से बड़ा है तो त्रिभुज बनना संभव होगा और यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माप से बड़ा नहीं है तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। अब यहाँ देखते हैं हम इन दोनों भुजाओं की माप इस भुजा से बड़ी नहीं है क्योंकि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का योग 5 सेंटीमीटर होता है जो तीसरी भुजा के माप से बड़ा नहीं है, इसलिए इन मापों से त्रिभुज बनना संभव नहीं है। आइए दूसरे भाग को देखते हैं, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ इन दोनों भुजाओं की जो माप है इसका योग 3 और 6 9 सेंटीमीटर जो तीसरी भुजा के माप से बड़ा है तो इस माप से त्रिभुज बनना संभव है। आइए अब इस भाग को जानते हैं। तो यहाँ पर हम जो दोनों छोटी भुजाएं हैं, देखिए ये भुजा सबसे बड़ी है तो छोटी भुजाओं का योग करते हैं 2 और 3 सेंटीमीटर, इनका योग 5 सेंटीमीटर जो तीसरी भुजा के माप से छोटा है तो यहाँ भी त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से जब हमें तीनों भुजाओं की माप दी गई हो तो हम दोनों छोटी भुजाओं की माप को योग करेंगे और देखते हैं कि वो तीसरी भुजा से बड़ा आता है तो त्रिभुज बनना संभव है और यदि वो उनसे छोटा या उनके बराबर आ जाता है योग के तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज बनना संभव नहीं है। प्यारे बच्चों 6.4 के ही सवाल नंबर 3 में त्रिभुज एबीसी की माध्यिका AM है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका AM है तो बताइए AB प्लस AC प्लस BC बड़ा है 2 AM से। तो अब हम इसे जांचने की कोशिश करते हैं, त्रिभुज ABC और इसकी जो माध्यिका है वो AM, यहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि AB प्लस BC प्लस CA बड़ा है 2 AM से। तो प्यारे विद्यार्थियों हम इसे करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहली त्रिभुज लेते हैं क्योंकि इस माध्यिका से ये दो भागों में बट गया, त्रिभुज ABM और त्रिभुज ACM। तो त्रिभुज ABM में
हमने अभी सीखा था कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, और जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से हमारा AM इधर आना चाहिए। तो हम इन दोनों भुजाओं का योग बड़ा है AM से, ये करने की कोशिश करते हैं। तो AB प्लस BM बड़ा है AM से। इसी प्रकार त्रिभुज ACM में, तो इसमें भी हम देखते हैं AC प्लस CM बड़ा है AM से। AC प्लस CM बड़ा है AM से। एक और दो को जोड़ने पर, अब देखिए इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो दायां पक्ष और बायां पक्ष, दाएं बाएं पक्ष एक जगह जोड़ते हैं, तो AB प्लस BM प्लस CM प्लस AC बड़ा है AM प्लस AM। अब देखिए AB प्लस BM प्लस CM ये मिलकर क्या हो गया AC और BC प्लस AC। AB प्लस BC प्लस AC बड़ा है AM प्लस AM 2AM। तो 7 इंच और 4 इंच की तिलियों से हम ये ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि तीसरी भुजा की माप कम से कम कितनी हो सकती है। तो देखिए जब कम से कम लेना है तो हम इनको इस रूप में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि तीसरी जो भुजा है, ये दो भुजाएं हैं इनका जोड़ हो गया, यहाँ पे एक सिरा हमने इधर से टच करा दिया। अब जो तीसरी भुजा होगी वो इस रूप में त्रिभुज बनाने की कोशिश करें हम, तो हम देख रहे हैं कि इस तिल्ली से त्रिभुज नहीं बन पा रही, अभी ये दोनों सिरे इनके नहीं मिल पा रहे, और ये जैसे जैसे पास लाते हैं तो इसके साथ चले जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि ये हमारी 7 इंच की तिल्ली थी, ये 4 इंच की और ये 3 इंच की, यानी कि इन दोनों का जोड़ इस भुजा के बराबर आ रहा है, तो हम त्रिभुज नहीं बना पा रहे, यानी कि इनसे बड़ा होना चाहिए था। यानी ये जो तिल्ली 3 इंच की है, अगर हमें त्रिभुज बनानी है तो ये 3 से बड़ी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि छोटे से छोटा जो माप है वो इन दी गई दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये 4 इंच 7 इंच है, ये 4 इंच है, इनका अंतर 3 इंच है, तो जब तक 3 इंच की भुजा होगी तब तक तो वो इसके बराबर यहीं पर हो जाएगी। अगर हमें त्रिभुज बनानी है तो ये भुजा 3 इंच से बड़ी लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ सीखने को मिला कि यदि दो भुजाओं की माप दी गई है तो तीसरी भुजा कम से कम, छोटी से छोटी भी लेंगे तो उसका माप दी गई दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा होना चाहिए, वरना त्रिभुज नहीं बन पाती। ये तो था कि कम से कम हम कितना ले सकते हैं, और अब बात आती है बड़े से बड़ा कितना ले सकते हैं। तो बड़े से बड़े के लिए देखिए कि बड़े से बड़ा, मान लो हम एक बार यहाँ ये इस पे भी माप लिखा हुआ है और इस एक को हम यहाँ रख लेते हैं, और एक मिनट के लिए हम छोटे से छोटा तो सीख ही रहे थे, अगर इस पर भी करने की कोशिश करें कि छोटे से छोटी कितनी ले सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जब तक हम 3 सेंटीमीटर लेते हैं, 3 इंच लेते हैं, तब तक तो बना ही नहीं पाएंगे, 3 इंच तो इसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे। और जब थोड़ा सा भी बड़ा करेंगे 3 से तो त्रिभुज का आकार लेना शुरू कर देगी, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए जैसे ही 3 से आगे जाते हैं तो ये त्रिभुज का आकार लेना शुरू कर देता है, ये देखिए। और इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, अब ये चीज़ सीखनी है यहाँ से हमें, देख पा रहे हैं इसको, ये कहाँ तक जा सकता है,
ये देखिए, इस भुजा को हम बढ़ा सकते हैं और जैसे ही ये देखिए 11, क्योंकि एक तिल्ली 7 थी और एक 4 थी, जैसे ही 11 आया तो 11 के बाद ये इसके साथ समांतर हो गई, इसके बराबर में आ गई। तो इसका मतलब था कि ये तीसरी भुजा 11 से छोटी हो सकती है। अगर त्रिभुज का रूप देना है तो जैसे हम 11 से थोड़ा छोटा करेंगे ये त्रिभुज का रूप लेना शुरू कर देती है। ये देखिए, तो यहाँ से हमें सीखने को मिला कि जो दो भुजाएं हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो उसके बड़े से बड़ी जो माप है वो उन दोनों भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए। जैसे ही हम इनके योग के बराबर लेंगे ये इसके बराबर आ जाती है, पैरेलल आ जाती है और ये त्रिभुज का रूप नहीं ले पाती। तो इसका मतलब हो गया कि अगर त्रिभुज का रूप देना है तो हमें इन दोनों भुजाओं के योग से छोटा माप लेना पड़ेगा। 11 से जैसे ही थोड़ा सा छोटा करते हैं तो ये त्रिभुजाकार रूप में आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से प्रिय विद्यार्थियों, हमने त्रिभुज की दो भुजाओं के माप यदि हैं तो तीसरी भुजा का माप ज्ञात करना प्रैक्टिकल रूप में सीखा। तो इसके दो माप निकल के आए कि छोटे से छोटा माप तो उन दोनों भुजाओं के अंतर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जो दो भुजाएं हमारे पास हैं उनके अंतर से बड़ा होना चाहिए और बड़े से बड़ा माप उन दोनों भुजाओं के योग से छोटा होना चाहिए। प्यारे बच्चों, 6.4 के ही सवाल नंबर 6 में हमसे पूछा गया कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 और 15 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। तो देखिए, हमने जो गतिविधि से सीखा था, जो तिल्लियों की गतिविधि की थी उसमें हमने जाना था कि जब दो भुजाओं की माप हमारे पास है तो तीसरी भुजा की माप हम कैसे ज्ञात करें और कितनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास दो भुजाओं की माप जो है वो 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई है। अब इन दो भुजाओं की माप से हम तीसरी भुजा की माप ज्ञात करना चाहते हैं। तो पहला जो गुण हमने सबसे पहले सीखा था कि दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो, इन दो भुजाओं का माप हमें दिया गया, इनका योग हुआ 12 और 15 27। इसका मतलब तीसरी भुजा की माप 27 से छोटी होनी चाहिए क्योंकि दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है। तो तीसरी भुजा इससे छोटी हुई, तो तीसरी भुजा 27 से तो छोटी होनी चाहिए। अब वो दूसरी उसकी सीमा क्या होगी? तो दूसरा जो गुण हमने उस गतिविधि में जाना था कि छोटा जो माप आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा होना चाहिए। तो 12 और 15 का अंतर है 3, तो 3 से बड़ी होनी चाहिए, यानी तीसरी भुजा की माप 3 से बड़ी और 12 15 का योग आया 27, 27 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। तीसरी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर से बड़ी और 27 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। आज हमने सीखा एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं माप में समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि त्रिभुज की तीसरी भुजा का माप कोई दो भुजाओं की मापों के योग से छोटा होता है। त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होता है। और अब अंत में अभ्यास कार्य के रूप में आपको प्रश्नावली 6.4 को करना है।